Hello everyone, this is Eva here and welcome back to our channel Art with Eva. And today's video is going to be a most requested video, that is Meenakari painting, and here we'll recreate it on an India board. But dear, before going to the project, I would like to request you a small thing. Please this time don't skip any part of the video, as I'm going to give you many tips and tricks here. So I wish you will get all those little tips which I have. And now, without doing any further delay, let's move to the project. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहाँ एक MDA बोर्ड ले रही हूँ. अगर आपके पास अभी के लिए MDA बोर्ड नहीं है तो आप इसके जगह कैनवास फ्रेम भी यूज कर सकते हो. नाउ विल अप्लाई जेसो, एंड यहाँ मैं होममेड जेसो यूज कर रही हूँ. एंड इसकी जो रेसिपी है मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो इस वाले वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा. मैं लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल चुकी हूँ. बट डियर, अगर आप होममेड जेसो की जगह रेडीमेड जेसो यूज करना चाहते हो जो ऑलरेडी मार्केट पे अवेलेबल है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो. हाँ डियर, आई हैव टू मेंशन वन थिंग राइट हियर, एंड द थिंग इज कि अगर आप इसकी जगह मतलब एनडीएफ की जगह कैनवास फ्रेम यूज कर रहे हो तब भी आप जेसो का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि जेसो अप्लाई करने के बाद इसको एक प्रॉपर मीडियम मिलता है जिसके ऊपर हम फर्दर काम कर सकते हैं. एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस काइंड ऑफ प्लेन A4 साइज पेपर, जिसके ऊपर मैं कुछ ड्रॉ करने वाली हूँ. Actually, I'm going to draw my own design, जिसको मैं further as a stencil use करने वाली हूँ. अगर आपको drawing करने में problem हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इस वाले जो stencil का image है मेरे website पे डाल दूंगी. आप वहाँ जाके इसे freely download कर सकते हो. बस आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद जो फर्दर स्टेप्स है आप उसे आराम से फॉलो कर पाओगे. मैं यहाँ एक साइड ड्रॉ करके आपको दिखा दी, दूसरे साइड भी बिल्कुल ही इस तरह ही मैं बनाऊंगी. और ये मेरी अभी रेडी हो गया है. एंड मैं यहाँ मेरी जो MDF की लेंथ है इसे मेज़र कर दी थी, सो दैट जो स्टेंसिल है उसका भी लेंथ में उतना ही रखी थी. सो आप जितनी मेजरमेंट की MDF या फिर कैनवास फ्रेम ले रहे हो उस हिसाब से ही आपका स्टेंसिल का लेंथ रखना. हाँ जी, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव सम टिप्स हियर. अगर आप स्टेंसिल को कट करके यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही ईजी होगा इसे प्लेस करने में, क्योंकि आपको प्रॉपर लेंथ एंड प्रॉपर करने का अंदाजा लग जाएगा. सो दैट अगर आप कर्नर में इसे प्लेस कर रहे हो तभी आप इसे अच्छे से प्लेस कर पाओगे. अगर आप उसे लेंथ भी यूज़ कर रहे हो तो आप साइड बाई साइड इसे मैच करके उसे आसानी से यूज़ कर सकते हो. यहाँ मैं ट्रेसिंग करने के लिए येलो कार्बन पेपर की हेल्प ले रही हूँ. एंड इसे प्रॉपरली सिकर करने के लिए मैं यहाँ मास्किंग टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ. ये ट्रेसिंग करने के बाद कुछ इस तरह ही दिखेगा. एंड आई होप कि आपको ये कैमरे में अच्छे से दिख रहा हो. अभी मैं इसको कर्नर में पुट करूँगी, इसीलिए मैं जो पेपर है उसको छोटे से टुकड़े में कट कर दी थी. एंड इस तरह कट करने से आपको ईजी होगा कर्नर से कर्नर मैच करवाने में. एंड इस तरह सेम प्रोसीडियर फॉलो करके आप पूरे MDF शीट के ऊपर आप ट्रेसिंग कर सकते हो. एंड देखिए, जो दोनों स्टेंसिल हमने प्रिपेयर किए थे और जहाँ जहाँ इसको पुट करना था मैं वहाँ पुट करवा दी हूँ. और इसके बाद जो बीस वाला सेक्शन है यहाँ मैं कुछ डायरेक्टली ड्रॉ करने वाली हूँ. एंड ये वाला जो फ्लावर डिज़ाइन है इसे मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखी हूँ ताकि इसे आप आसानी से फॉलो कर सकें. Okay, now it's done. Our drawing part is completely ready. And now we can do further steps. And ये जो 3D cone liner है ये भी homemade cone liner है, और जिसका रेसिपी मैं already आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ मेरी craft supplies वीडियो में. अगर आप मेरे चैनल पर आज नए हो तो इस वाले वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा. एंड मैं यहाँ जरूर ये मेंशन करूँगी डियर कि इस कोन लाइनर को मैं दो इंग्रेडिएंट से ही प्रिपेयर कर रही हूँ, विदाउट एक्रीलिक कलर. अगर आप इसके जगह मार्केट से कोन लाइनर लेके इसे प्रिपेयर करते हो तो ये बिल्कुल ही कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा. सो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ये जो 3D आउटलाइनर वाला रेसिपी है इसे ज़रूर चेक कीजिए. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऑलरेडी डाल चुकी हूँ. एंड ये 3D आउटलाइनर बनाने के बाद आप ज़रूर इस वाले क्राफ्ट को एक ट्राई दीजिएगा. So I must suggest after putting all the outlines, you should leave it under at least 3 to 4 hours, and then after you can put any kind of artwork over the design.
चलिए, इस काम को करते करते मैं आप सबको एक बिग थैंक यू कहना चाहती हूँ। इसके पीछे एक बहुत ही प्यारा सा रीज़न है, क्योंकि जब मैं क्राफ्ट सप्लाइज वीडियो बनाई आपके लिए, क्योंकि आप सबको चाहिए थी होममेड रेसिपी क्राफ्ट सप्लाइज की, एंड उसके बाद ये वाले पेंटिंग मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं पेंटिंग हो या क्राफ्ट हो, किस तरह उसे ईजी रख सकूँ सो दैट मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे आर्ट फॉर्म को ट्राई कर सके। तो डियर, आई एम ऑलरेडी ट्रेंड विथ प्रबल मीनाकारी पेंटिंग, बट मुझे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही अच्छा लगता है, एंड स्पेशली मीनाकारी पेंटिंग को मैं बहुत ही आर्ट फॉर्म के साथ ट्राई कर चुकी हूँ। ओके, नाउ आई हैव टू मेंशन हियर समथिंग। अगर आपके मीनाकारी पेंटिंग में गोल्डन का पार्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब आप गोल्डन कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आप इस वाले आर्ट फॉर्म को जरूर ट्राई कीजिए। और मैं किसी ओरिजिनल मीनाकारी पेंटिंग को देख के जब भी एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तब मुझे रियलाइज हुआ अगर हम 3D आउटलाइनर के साथ इस वाले प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि जो 3D आउटलाइनर से उसका आउटलुक बहुत ही प्रोजेक्टेड नहीं होता है, सो दैट यू कैन पुट गोल्डन कलर ऑल ओवर द डिज़ाइन। एंड जैसे कि मैं बताई हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्टेड नहीं होता है, सो जितने सारे डिज़ाइन से उसके साइड एजेस पे भी आप गोल्डन कलर पुट कर सकते हो। सो डियर, मैं ज़रूरी रिकमेंड करूँगी कि अगर आपकी मीनाकारी पेंटिंग में गोल्डन का पार्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो आप ये वाला आर्ट फॉर्म को ट्राई कर सकते हो। मैं जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल यहाँ यूज़ कर रही हूँ सारे मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दे रही हूँ, और इसका जो लिंक है सारे के सारे मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी है, आप वहाँ जाके इसे चेक कर सकते हो। बट स्टिल, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन एनी स्टेज, देन यू कैन एस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। आप यहाँ गोल्डन एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर रहे हो, एंड गोल्डन एक्रेलिक कलर एक कोट में कभी भी सुंदर नहीं लगता है। सो ये बस मैं मेरी खुद की एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप जब भी गोल्डन कलर के साथ काम कर रहे हो तो आप एक कोट सूखने के बाद दोबारा और एक कोट उसके ऊपर डाल दीजिए, उसके बाद गोल्डन कलर का जो ओरिजिनल इफेक्ट है वो बहुत ही सुंदर तरीके से आता है आपके क्राफ्ट के ऊपर। सो या आप जरूर ट्राई कीजिए। इंडिया में इस तरह 5 नंबर ब्रश के साथ पूरे डिज़ाइन को कलर कर रही हूँ, और इस वाला पर्टिकुलर पार्ट को मैं फ्लैट ब्रश के साथ ही कलर करूँगी, क्योंकि ये कंपेरेटिवली बहुत ही वाइड एरिया है जिसको मैं फ्लैट ब्रश के साथ कवर कर सकती हूँ। सो हाँ, अगर आप चाहते हो तो आप सेम नंबर के राउंड ब्रश के साथ इसे कलर कर सकते हो, नहीं तो आप इस जगह में फ्लैट ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अभी के लिए तो सारे के सारे प्रोसीड्योर वही सेम ही है, मैं यहाँ बस कलर पुट करने वाली हूँ ऐसे ही। सो चलिए, मैं यहाँ बैठ के मेरा कलर पुट करती हूँ, और कलर कंप्लीट होने के बाद मैं इसका फाइनल आउटलुक आपको दिखाऊंगी। Yeah, the golden color is completely dried up and now we can move forward. And to paint it further, we need glass color here. एंड यहाँ मैं फेब्रिकल का ग्लास कलर यूज़ कर रही हूँ जो कि वाटर प्रेस है, एंड इसे अप्लाई करना बहुत ही ईजी है, आप डायरेक्टली ट्यूब के साथ इसे अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ इसे कलर करने के लिए, जैसे मैं बीस वाले पोर्शन के लिए अल्टरमेरिन ब्लू कलर यूज़ की थी, और इस वाले पोर्शन के लिए मैं क्रिस्टल ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। जब भी हम ग्लास कलर के साथ काम करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बबल्स आ जाता है, और बबल्स रिमूव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप भी काम करते वक्त बबल्स आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे एक ईयरबड के साथ ही रिमूव कर सकते हो, पर ये ध्यान में रखना है जब भी आप कलर करते हो तुरंत बाद ही आप बबल रिमूव कर दीजिए, नहीं तो अगर एक बार बबल रह गया तो बाद में आप उसे रिमूव नहीं कर पाओगे।
इस तरह डी अब मैं डिफरेंट कलर से इसे कलर कर रही हूँ, बट ट्रेडिशनल मीनाकारी वर्क में बहुत ही स्पेसिफाइड कलर होते हैं और उसे पुट करने के बाद उसका जो रॉयल काइंड लुक है, उसका जो रिच लुक है, वो बहुत ही सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट हो पाता है। अभी मैं डी यहाँ रेड कलर पुट कर रही हूँ। हाँ डियर, आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग, अगर आप ग्लास कलर का इस्तेमाल करते हो देन फर्स्ट थिंग यू शुड कीप इन द माइंड कि यू आर रिलीजिंग टेनी अमाउंट ऑफ कलर ऑन द टिश्यू पेपर जस्ट बिफोर यू आर गोइंग टू अप्लाई इट ऑन द बोर्ड। इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न है कि हमारी ट्यूब के अंदर एयर फिल होके रहता है। अगर हम डायरेक्टली इसे प्रोडक्ट के ऊपर यूज़ करेंगे, कभी कभी ये भी चांसेस होता है कि वो पूरे प्रोडक्ट को एक सेकंड में मेसअप कर देती है। सो बेटर ये है कि आप जब भी कलर अप्लाई करने जाते हो उससे पहले आप ये ट्राई करो कि उसके अंदर जितने सारे एयर है पहले वो रिमूव हो जाए। अगर उसके बाद भी आपके कलर में बबल्स आ रहा है तो तरीका आपको तो मालूम है, बस एक ईयरबड के साथ आप इसे बिल्कुल रिमूव कर सकते। ओके, अभी हमारी जो कलरिंग वाला पार्ट है ये ख़त्म हो चुकी है और अभी हम फर्दर इसके ऊपर स्टोन्स एंड कुंदन्स का काम करेंगे। ओरिजिनल मीनाकारी वर्क इज़ द आर्ट फॉर्म ऑफ कलरिंग एंड ऑर्नामेंटिंग ऑन अ मेटल सरफेस, जिसे हम मेटल सरफेस की जगह यहाँ एमडी बोर्ड या फिर कैनवास फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। वैसे हम मीनास के काम भी यहाँ स्टोन्स एंड कुंदन के साथ ही रिक्रिएट करेंगे। वैसे तो हमने ग्लास कलर के साथ इसको बहुत ही सुंदर सा फिनिशिंग दे चुके हैं एंड इसके ऊपर मैं फर्दर डेकोरेट करूँगी कुंदन एंड स्टोन्स के साथ। और मेरे पास जितने सारे स्टोन्स थे उसमें से मैं बहुत कम स्टोन्स यूज़ करने वाली हूँ, लाइक ग्रीन कलर, रेड कलर और वर्म वाइट। अगर आपके पास इस कलर के कोई कुंदन हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मीनाकारी वर्क में बहुत ही डिफाइंड कलर यूज़ होता है। अगर आपके पास ये वाला दो चार कलर्स है तो आप इजीली ये वाला आर्ट फॉर्म को क्रिएट कर सकते हो। डियर, आज के वीडियो में ओरिजिनल मीनाकारी वर्क से इंस्पायर्ड होके बनाई हूँ और मुझे लगता है कि अगर कोई भी रिच आर्ट फॉर्म को हम कलर के साथ रिक्रिएट कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। और मैं ये सोचती हूँ कि आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होता है, आप बस एक्सपेरिमेंट करते रहिए और जो भी आप खुद लर्न करते हो आप दूसरों के साथ भी उस नॉलेज को जरूर शेयर कीजिए। ओके, अभी हमारी कुंदन एंड स्टोन्स का काम ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद हम गोल्डन एक्रीलिक कलर के ऊपर मरून एक्रीलिक कलर पुट करेंगे। और मैं यहाँ मरून कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 3D कोन लाइनर के जितने सारे डिज़ाइंस थे हम मरून एक्रीलिक कलर के साथ उस डिज़ाइन को फीचर आउट करेंगे। यहाँ मैं मरून कलर को अप्लाई करने के लिए 2 नंबर के राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ और आप भी याद से कम नंबर के ब्रश ही यूज़ करके मरून कलर को अप्लाई कीजिए। और इसको अप्लाई करना तो बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है। सो यस, आप अप्लाई कीजिए और इसे कुछ देर सूखने के लिए छोड़ दें। मैं यहाँ आपको वीडियो में दिखाने के लिए बहुत सारे प्लेसेस में एक साथ कलर अप्लाई कर रही हूँ, पर मैं ये रिकमेंड करूँगी आप जब भी कलर करते हो आप ध्यान से अंदर वाला पार्ट को पहले कलर कीजिए और उसके बाद आप बाहर की तरफ आइए। उस हिसाब से करने से आपके हाथ में कलर नहीं लगेगा और आपके प्रोडक्ट मेसअप नहीं होगा। डियर, हमारे फाइनल प्रोडक्ट अभी बिल्कुल रेडी है और चलिए हम इसके फाइनल आउटलुक देखते हैं। पर उससे पहले इसका जो ग्लिटरिंग लुक है ये मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगी क्योंकि इतनी प्रीटी लुक दे रहा है कि मैं क्या बताऊँ। एंड इस वाला पार्ट को मैं बहुत ही लो लाइट पे शूट की हूँ, पर इसका जो ग्लिटरिंग इफेक्ट है इस लाइट में भी बहुत ही सुंदर आता है। तो चलिए हम इसे डेकोरेट करते हैं। मैं इसे फर्दर फ्रेमिंग करने वाली हूँ, आप इस तरह फ्रेम कर सकते हो। अगर आप फ्रेम करना नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बॉर्डर के पार्ट में कुछ मार्जिन छोड़ दीजिए, लगभग 1 सेंटीमीटर आप छोड़ दीजिए और उस एरिया को आप गोल्डन कलर के साथ पेंट कर सकते हो। उस हिसाब से आपको एक बहुत ही सुंदर सा बॉर्डर मिल जाएगा। आप मीनाकारी पेंटिंग को टेबल के ऊपर रख के 100 पीस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप इसे वॉल पे माउंट भी कर सकते हो।
डियर, इसे देखने से लगता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग है, पर ये सच में बहुत ही इजी काइंड पेंटिंग है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ट्राई करते हो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ डियर, जाने से पहले मेरी वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।